हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा टावर वैगन का कूलेंट, जो कूलेंट वाटर को कैसे ड्रेन करना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी जॉइंट पे से हल्का सा स्पेनर से इसको पुश कर देने से, यानी कि इसको ढीला कर देने से आपका सारा कूलेंट दोस्तों ड्रेन हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी जॉइंट से जो कूलेंट का ग्रीन और दोनों पाइप में एक एक पॉइंट पे वहाँ पे लूज करके हल्का सा पुश कर देना, ठोक देना है, तो वहाँ से आपका कूलेंट वाटर ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक जगह और है, उसी जगह देखिए एक बल्ब है जो कि पाइप लगा हुआ है। देखिए ये पाइप है, हैंडल लगा हुआ है दोस्तों, तो हैंडल का पाइप जो लगा हुआ है उसको क्लोज करने के लिए है, जैसे कि वहाँ से आप चढ़ा सकते हैं कूलेंट, तो वहाँ से भी पाइप से खोल करके आप ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी पूर्वक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात रहा कि जब हम कूलेंट वाटर जो हम ड्रेन करते हैं तो कितना कूलेंट, देखिए ये जो पाइप देख रहे हैं कस रहे हैं, यहाँ से भी हम खोल करके आप ड्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल आसानी से, और हैंडल यहाँ पर खोल दीजिएगा तो आपका आसानी से ये सारा ड्रेन हो जाएगा कूलेंट वाटर। और दोस्तों रही बात की जो हमारा कूलेंट वाटर है दोस्तों, जो टावर वैगन DTC हो या DSTC हो, इसमें जो दोस्तों कितना कूलेंट वाटर लगता है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो हमारा कूलेंट वाटर जो लगता है दोस्तों 225 लीटर के अप्रोक्स में लगता है एक बार ड्रेन कीजिएगा तो, जो कि DCH के दौरान आप कूलेंट वाटर ड्रेन किया जाता है, और बीच में भी आवश्यकता हुआ तो ड्रेन कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों कूलेंट वाटर ड्रेन करने में कम से कम 225 लीटर अप्रोक्स लगता है, और थोड़ा बुरा घट गया तो 50% पानी भी आप मिला सकते हैं, जो कि डिस्टिल वाटर मिला सकते हैं, जो कि पानी ठीक है, फ्रेश पानी होना चाहिए। देखिए ये जो हमारा रेड वाटर का फैन है ये ख़राब हो गया था, वो भी चेंज कर दिए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए कूलेंट वाटर का डब्बा है दोस्तों। एक चीज़ और है दोस्तों इसमें जो एक्सपायरी जो होता है, जो हमारा जो जिस डेट में पर मतलब बना है उस डेट से लास्ट 3 ईयर्स तक दोस्तों, 3 साल जब पूर जाएगा दोस्तों तब हमारा ये कूलेंट का डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों देखना है कि कूलेंट का डेट एक्सपायर हो जाना चाहिए तो हम ड्रेन कर सकते हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और कूलेंट वाटर और पानी की मात्रा रहे तो दोस्तों 50% कूलेंट वाटर और 50% पानी मिला करके आप इसको चला सकते हैं। कब? जब आप थोड़ा मोड़ा पानी की मात्रा कम, देखिए LOW इंजन में लिखता है KF1 में, जो कि पैनल में, तो पैनल में दोस्तों शो करता है LOW, तो आपका जो टावर वैगन है दोस्तों वो स्टार्ट होने नहीं देगा। तो इसको सही करने के लिए आपको कूलेंट वाटर की जरूर आवश्यकता होगी, तो आप कूलेंट वाटर डालिएगा तो LO का जो हमारा सिंबल देखे थे वो हट जाएगा, ठीक है। तो LO का मतलब लो कूलेंट वाटर होता है, ठीक है। और रही बात की यह जो है 50% पानी और 50% कूलेंट वाटर, देखिए ये न्यू फैन है, यही फैन दोस्तों हमारा वाटर को रिवाटर में लगता है, ठीक है। और इसका ये जो हमारा देखिए ये एडजस्टमेंट हो गया है न्यू फैन, ठीक है, जो कि थोड़ा बड़ा कट गया था तो ख़राब हो गया था, तो इसको फिर हम नया लगाए हैं, ठीक है। अब रही बात कि हम जो हमारा कूलेंट वाटर जो टावर वैगन में कौन सा कूलेंट वाटर का जो ब्रांड है वो लगता है, प्रीमिक्स कूलेंट वाटर जो है हमारा बहुत ही टावर वैगन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम पहले तो कूलेंट वाटर हम तो उसको ड्रेन कर दिए, अब हम कूलेंट वाटर को टॉप अप कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 2 बल्ब लगा हुआ है, तो दोनों बल्ब में बारी बारी से जैसे एक डब्बा इसमें डालेंगे, दूसरा डब्बा दूसरे में डाल लें, ये नहीं सो एक ही मतलब मतलब जो हमारा ये बल्ब है उसी से हम जो है ना ये सारा 220 लीटर डाल देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब एक डब्बा इसमें एक डब्बा उसमें, इस तरह से यानी कि दोनों में हमारा मतलब सेम मात्रा में कूलेंट वाटर पहुंचेगा। तो इसीलिए हम दोनों में बराबरी बराबरी डालेंगे, 110
10, उसके बाद 20 हो गया, 220, और फिर 5 लीटर हरा इधर दोनों में डाल देंगे, ठीक है। इन टोटल 225 लीटर में अप्रोक्स लगभग फुल हो जाता है दोस्तों। अगर उससे थोड़ा सा लगेगा तो हार्डली 130 तक दोस्तों जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक बार ड्रेन करने में दोस्तों 230 लीटर के अप्रोक्स में कूलेंट वाटर लगता है। अगर 200 लीटर अगर आपको मिलता है तो फिर आपको वाटर का मिलाने की आवश्यकता पड़ जाएगा, 100% नो डाउट। तो इसमें भी लिखा हुआ है जो है 50% कूलेंट वाटर, और जो है प्रीमिक्स कूलेंट जो है CC2505 जो है, ये हमारा कूलेंट वाटर का ये नंबर है। और यह जो मैन्युफैक्चर जो हमारा जो कूलेंट वाटर दोस्तों बना है, उस डेट से 3 ईयर्स तक दोस्तों ये इसका लाइफ रहता है। 3 ईयर्स यानी देखिए आप देख सकते हैं इस पर एक्सपायरी डेट दिया हुआ, उसे 6 मंथ 3 ईयर्स बाद यह एक्सपायर कूलेंट आपका हो जाएगा कूलेंट वाटर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कूलेंट वाटर के बारे में आज दोस्तों अब बात की है, और कूलेंट वाटर कैसे ड्रेन करेंगे ये सारा चीज़ हम आपको ड्रेन करने का, टॉपअप करने का सारा चीज़ हम बता दिए, कितना कूलेंट वाटर लगेगा इसके बारे में भी आपको हम बता दिए। तो जैसा कि आप वीडियो में पूरा देख लिए, ये जो हम टावर वैगन DTC हो या DSTC हो, दोनों में दोस्तों कूलेंट वाटर सेम लगता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कूलेंट वाटर कम रहेगा दोस्तों तो LOW का मैसेज आएगा, LO का मैसेज आएगा तो आपका इंजन जो है दोस्तों स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिए। अगर LO का डिस्प्ले पर मैसेज आता है तो और वह आपको पैनल KF1 में आपका ये LO का सिंबल इंडिकेटर में स्विच रिले में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ LO आ गया, तो यानी कि आपका कूलेंट वाटर कम है तो उसको टॉपअप करना होगा। आई होप अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ जो हमारा कूलेंट वाटर ड्रेन कैसे करेंगे, टॉपअप कैसे करेंगे,